नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। राजस्थान के दौसा रामगढ़ पचवारा पंचायत समिति में बिजली, पानी व साफ सफाई की मांग को लेकर महिलाओं ने कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पिंकी कामदार की अगुवाई में बिजली पानी की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया। रामगढ़ पचवारा पंचायत समिति में प्रधान डॉक्टर कौशल मीणा को ज्ञापन दिया। रामगढ़ पचवारा कस्बे में पानी की समस्या ठीक नहीं है। चक्की वाला मोहल्ला, कोली मोहल्ला, लखेरा मोहल्ला, शिव कॉलोनी सहित कई कॉलोनियों में पानी की समस्या है। समय पर कस्बे में पानी नहीं आता है। तेज गर्मी में आम जनता पानी के लिए बहुत परेशान है एवं पूरे कस्बे की नालियों एवं मकानों के आगे तमाम कचरा गंदगी फैली हुई है, जिससे गर्मी के मौसम में महामारी फैलने की आशंका है और इस विषय पर बार बार अवगत कराने के उपरांत भी जन समस्याओं को सुना नहीं जाता है एवं छात्रों की परीक्षा होने के कारण रात्रि और दिन में बिजली की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। 2 से 3 घंटे तक रात्रि में बिजली नहीं आती, जिससे छात्रों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और रामगढ़ की आम जनता बहुत परेशान है। कांग्रेस महिला ब्लॉक अध्यक्ष पिंकी कामदार ने कहा कि हमारी मांगों का 5 दिन के अंदर समाधान नहीं किया गया तो हम विवश होकर आम महिलाओं के द्वारा पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा मुख्यालय पर आंदोलन किया जाएगा। रूबी हूँ, मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मैंने रामगढ़ पचवारा में सरपंच साहब को भी काफ़ी बार हमने कहा है, रामगढ़ पचवारा में लाइट की, नल की, हर चीज़ की समस्या हो रही है। कचरा जगह जगह ढेर लग रहा है, मतलब हमारी कोई सुनवाई नहीं थी। आज पूरे गांव की महिलाएं जागरूक होकर पंचायत में आई हैं और SDM मैडम से भी बात की है और क्या नाम है, प्रधान मैडम से भी बात की है। उन्हें आश्वासन दिया है 5 दिन के बाद में कि आपका पूरा काम हो जाएगा। 5 दिन में गाँव की समस्या में मैं पूरा ध्यान दूंगी। अब देखते हैं, 5 दिन के बाद अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग भी कुछ अपना कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। ठीक। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।